शुभ्रा, शुभ्रा, ये तुम क्या कह रही हो? सोच समझ कर बोलो। मैं सच कह रही हूँ और सच कहने के लिए सोचने या समझने की कोई जरूरत नहीं है। जज साहब, इस वक्त मेरी बहन अपने आपे में नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगली सुनवाई से पहले इसे थोड़ा वक्त दिया जाए। इस केस की अगली पेशी 20 अक्टूबर को होगी। शाबाश शुभ्रा, अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया तुमने। तुम्हारा तो जेल में सड़ना तय है। मेरा बस चले तो इस खानदान के हर इंसान को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दो। शुभ्रा, तू चिंता मत करना, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं आए, सब ठीक तो है ना? क्या बात है, आप काफी परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, मुझे भाई साहब को बता देना चाहिए कि कोर्ट में क्या हुआ? वही सही रास्ता दिखाएंगे। अच्छे वकील को वो जानते भी हैं और खुद भी कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं भाई साहब से इस बारे में बात कर चुका हूँ। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो इस मामले में नहीं पड़ेंगे। आज उन्हें इस खानदान की इज्जत शुभ्रा की जिंदगी से ज्यादा प्यारी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भाई साहब नहीं बदल सकते। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था भाई साहब का ऐसा रूप देखकर, लेकिन लेकिन भाई साहब आज भाभी साहब के नेकलेस में जड़े पत्थर की तरह, जिन्हें किसी के भी दर्द से कोई मतलब नहीं। इस अकाउंट में तो सिर्फ 3,500 रुपये, कुल मिला के 37,000 रुपये होते बस। लगा दो सारी जमा पूंजी ठिकाने पर। छतरी के छेद ढके नहीं कि बादल भी बरसने को आ गए। कुछ तो कीजिए, अरे कहीं से भी पैसे का इंतजाम कीजिए। न जाने मेरी बच्ची किस हाल में हो गई। देवर सा, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें भी जोड़ लीजिए। मनो भाभी, ना अब कुछ ना बोलना। देवर सा, शुभ्रा मेरी कोख जनी ना सही, लेकिन है तो मेरी बच्ची ही ना। मेरे ख्याल से 9,500 है। फिर भी कम है मनो भाभी, कहीं ना कहीं से तो पैसे उठाने पड़ेंगे। कहीं से पैसे उठाने की जरूरत नहीं है समय।
पापा, ये मेरे कुछ गहने हैं, इन्हें बेचकर। ना बेटा ना, ये मेरी कमजोरी है कि मैं अपनी औलाद के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा। उसका भुगतान तुम क्यों करोगी बेटा? पापा, मुसीबत तो किसी के भी सिर पर आ सकती है, और वैसे भी ये वो गहने हैं जो आपने मुझे मेरी शादी में दी थे। जो भी हो बेटा, पर तेरे गहने। पापा, इस वक्त शुभ्रा को जेल से बाहर निकाल कर अपने बच्चे और हमारे बीच में लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो उस हादसे के सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और ये गहने शुभ्रा की जिंदगी से बड़े तो नहीं, अगर ये आज काम ना आए तो जिंदगी भर पछतावे की जंजीर बनकर मेरे गले में पड़े रहेंगे। ले लीजिए पापा, प्लीज। शुभ्रा, बहन हो तो ऐसी, और वारी किस्मत, आग लगाने का मौका दे तो ऐसा। अरे कावेरी जी का फोन, आज न्यूज चैनल के पास खुद दर्शक ने फोन किया। जरा देखो तो सही, आज सूरज कहाँ से होगा? अरे एक मिनट कावेरी जी, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ ना, अजी आज तो सूरज होगा ही नहीं, तभी तो चांदनी अपना उजाला फैला रही है मुझ पर। तीन कवर सा, यूं तो आपकी बातों का मजा ही अलग होता है, लेकिन अगर हम इन्हीं बातों में उलझे रहे तो काम की बात रह जाएगी। अजी कावेरी जी, तो काम की बात कर लेते, मेरे पिछले खबर की इंस्टॉलमेंट अभी तक बची हुई है। कमाल की बात है, हमें तो लगता था कि आप रईस खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। आपकी बहू अपने गहने बांटती फिर रही है और आप दूसरों के आगे हाथ फैला रहे। जी मैं कुछ समझा नहीं, किसने बांटे गहने, अब मैं कहाँ था? थोड़ी सी अकल लगाई होती तो आपकी इज्जत बढ़ जाती हमारी नजरों में। आपकी छोटी बहू सलोनी दी की बात कर रही हूँ मैं, अपने मायके वालों को गहने बांटती फिर रही है वो। ओहो कावेरी जी, आज तो उल्टी गंगा बह गई, बड़ी चटपटी खबर सुनाई है आपने। बस अब आप इंतजार कीजिए और देखिए कि मैं इस मसालेदार खबर से क्या हंगामा खड़ा करता हूँ। मतलब कावेरी जी की बताई हुई खबर सही थी, वाकई सलोनी अपने सारे गहनों का दान कराई है। सलोनी, सलोनी क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारे गहने कहाँ हैं? भाभी साहब, चलो सीधे काम की बात करते हैं, तुमने अपने गहने अपने मायके वालों को क्यों दिए सलोनी? आपने कैसे जाना कि मैंने अपने गहने अपने मायके वालों को दिए हैं? अरे इसमें जानने ना जानने की बात कहाँ से आ गई सलाली जी? अब कोई भी देख सकता है कि आपके तन पे आपके गहने नहीं। अब अपने मायके वालों के अलावा और किसे देंगी आप गहने? क्या साबित करना चाहती हो तुम दुनिया वालों को सलोनी? तुम्हारे पति का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और हम भी तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, यही ना? कितना गिराओगी हमें दुनिया की नजरों में? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी साहब, वो तो पापा के ही बनवाए हुए गहने थे, अगर जरूरत के वक्त उनके काम आ गए तो उसमें हर्ज ही क्या है? वैसे देखा जाए तो सलोनी, हर्ज तो किसी भी गुनाह में नहीं है ना, किसी का सर फोड़ दिया क्या हर्ज है, किसी को मार डाला क्या हर्ज है, अपने मायके की जगह अपने ससुराल से ऊपर रख दो क्या हर्ज है? तुम्हारे तो हर काम में अच्छाई और सच्चाई के अलावा कुछ होता ही नहीं, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। अपना सब कुछ दे दो अपने घरवालों को, हम कौन होते हैं बोलने वाले? भाभी साहब सलोनी जो कुछ कर रही है उसे पूछ कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी के पास भी सलोनी पर उंगली उठाने की कोई वजह बचती। इस घर की बहू के गहने दूसरों में बांटने की इजाजत तुम कैसे दे सकते हो नाहर? वो दूसरे नहीं है भाभी साहब, वो सलोनी के माँ बाप है, और क्या एक बेटी अपने माँ बाप की मदद नहीं कर सकती? नार प्लीज, सलोनी अब उस घर की बेटी से ज्यादा इस घर की बहू है, अपने घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए उसे। तो आपको ये लगता है
कि सलोनी को इस घर की इज्जत का ख्याल नहीं? बस नहर, अब और नहीं देखा जाता मुझसे ये सब। देख लिया सलोनी, तुम्हारे भाई साहब तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। आप नाराज मत होइए, भाभी साहब सही कह रही है, ये मेरे बहन की लड़ाई है और इसमें इस घर के लोग क्यों भागीदार हो, ये लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगी, वो भी ऐसे कि इस घर का नाम भी उसमें शामिल ना। जो करना है करो, मेरे पति को बख्श। सब पहले से ही परेशान हो चुके तुम्हारे और तुम्हारे घर की मुसीबतों से। भाभी साहब ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मुसीबतें इस घर में पहले नहीं आई थी? सॉरी नहार बन्ना, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन जब इस घर पर मुसीबतें आई थी तब तो सलोनी के माँ बाप दौड़े दौड़े नहीं चले आए थे आपकी मदद के लिए। अगर उनके बस में कुछ होता तो वो जरूर कुछ करके दिखाते। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि वो समझ चुके थे ऐसा करने से उन्हें अपनी घर की मुसीबतों को इस घर में लाना बंद कर दो। तारा, तुम ठीक तो हो? हाँ, बस कमजोरी सी लग रही है बहुत। इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं। थोड़ा ना ऐसे खिलौनों से खेलने की, वो तो ये है कि इसके बहाने हम खेल लेते हैं खिलौनों से। हाँ मनु भाभी, इस बच्चे की किस्मत लिखते समय ऊपर वाले को जरा भी तरस नहीं आया इसके ऊपर। बेचारा बिना माँ के ही यहीं पे आके तो इंसान मजबूर हो जाता है देवरानी साहब। अरे अरे अरे, क्यों रो रहा है बेटा? क्यों, क्या हो रहा है? क्यों रो रहा है? थारी धौ ने बहुरानी, बच्चा है, कभी रोता है कभी हंसता है। क्यों, नींद खराब हो गई तुम्हारी? मम्मी जी, इतने छोटे बच्चे को उसकी माँ से दूर रखना दोनों के साथ ही नाइंसाफी। क्यों ना हम बच्चे को उसकी माँ के पास ही रखें? कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है ना। इतने छोटे से बच्चे को वहां रखने की क्या जरूरत है? और फिर हम इसे शुभ्रा से मिलवाने के लिए ले जाते हैं ना। अरे इतनी नन्ही सी जान को जेल में ना बाबा ना, जाने कैसा माहौल होता है वहां, कैसे कैसे लोग, कितनी गंदगी। अगर कोई बीमारी लग गई तो? एक बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माँ के पास सुरक्षित रहता है। किस जमाने की बात कर रही है मम्मी जी? अब तो सरकार ने जिन्हें इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखी है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जेल जेल ही होती है बहुरानी, अगर वहाँ 5-स्टार की सहूलियतें भी मिलने लगे ना तो भी कोई जेल नहीं जाना चाहेगा। हाँ, अगर तुझे लगता है कि सरकार ने अभी जेल बहुत अच्छी बना दी है तो एक काम करना, तू क्यों नहीं चली जाती कुछ दिनों के लिए जेल? मन्नो भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने वो ही कहा जो मुझे सही लगा। मैं भी वही कह रही हूँ बहुरानी, जो मुझे सही लग रहा है। कहो तो इंतजाम करा दो तुम्हारे अंदर जाने का।
अरे धवने, छोटे से बच्चे को जेल में रखने की बात कर रही है? लगता है भगवान ने दिल की बजाय पत्थर रख दिया इसके सीने में। पहली नजर में तो इतना ही लग रहा है कि कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आए होंगे। फिर भी कुछ टेस्ट करवा लेते हैं सेफ्टी के लिए। डॉक्टर साहब, ये कई दिनों से चल रहा है, लेकिन अब दो चार दिनों में इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ गई है। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ मिस्टर ब्रिजेश, मगर रिपोर्ट्स आने तक तो हमें रुकना ही होगा। तब तक इन्हें जूस वगैरह देते रहिए, इनके खाने पीने का खास ध्यान रखिएगा, और जितना जल्दी हो सके मेरे क्लिनिक में आके टेस्ट करवा लीजिए। चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर। ये बॉटल किसकी हो सकती है? बड़ी अजीब सी है, लगती तो दवा की बॉटल है, मगर है किसकी? ये बॉटल आप में से किसी की है? जी जी, क्या ये बॉटल आपकी है? नहीं। अरे क्या सलाइली जी, आप भी क्या एक दवाई की नन्ही सी बोतल के पीछे पड़ गई? होगी किसी की पुरानी बोतल, लाइए लाइए मुझे। टेस्ट हो गए आपके? किस चीज की दवाई है वो? ये दवा आपको कहाँ से मिली? कौन इस्तेमाल कर रहा है इसे? जी, मुझे मेरे घर के आंगन में पड़ी हुई मिली। मैं नहीं जानती कि कौन यूज कर रहा था इसे। आपको ये दवा आपके घर में मिली और आप नहीं जानती कौन इस्तेमाल कर रहा है इसे? देखिए, मुझे पता होता तो बताने में क्या एतराज होता, लेकिन बात क्या है? आर यू श्योर आपको नहीं पता कौन इस्तेमाल कर रहा है इसे? कह तो रही हूँ, आप बताइए कि कौन सी दवाई है? ये एक तरह का धीमा जहर,
जो इंसान के ऊपर धीरे धीरे असर करता है और एक दिन उसे अपाहिज बना देता है।